वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के घर में रूबीना दिलायक के लिए बिग बॉस के घर में उनकी प्यारी बहन ज्योतिका दिलायक आई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि फैमिली वीक टास्क चल रहा है। फैमिली वीक टास्क का पहला चरण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बिग बॉस सीजन 14 के लाइव फीड में आप सभी दर्शक ये देख सकते हैं। और पहले चरण के बाद राखी सावंत, रूबीना दिलायक, जैस्मिन बसीन, अर्शी खान और विकास गुप्ता के घर से कोई भी नहीं आया घर वाले। और साथ ही साथ अब दूसरे चरण की शुरुआत बस ही कुछ ही समय में शुरू होने जा रहा है। और साथ ही साथ आप सभी दर्शक देखेंगे कि रूबीना दिलायक से मिलने के लिए रूबीना दिलायक की प्यारी बहन ज्योतिका दिलायक आएंगी। कैसा होगा ये समय, आइए हम आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो सबसे पहले दबा लीजिए। हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि फैमिली टास्क का पहला चरण जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। और पहले चरण के बाद घर वाले काफी इमोशनल हो गए, क्योंकि हर एक सदस्य के घर वाले मिलने के लिए उनसे बिग बॉस सीजन 14 के घर में आए। और साथ ही साथ घर वाले काफी रोए अपने घर वालों को देखकर। और साथ ही साथ रूबीना दिलायक के लिए पहले चरण में कोई किसी की भी एंट्री नहीं होती है। अब दूसरे चरण में उनकी बहन ज्योतिका दिलायक आ रही है। और बिग बॉस सीजन 14 के घर में अक्सर ज्योतिका दिलायक का नाम लेते हुए दिखाई देती है रूबीना दिलायक। और साथ ही साथ बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर भी दोनों बहनों की जोड़ी जो है वो काफी ज्यादा हिट है। रूबीना दिलायक की बहन ज्योतिका दिलायक जो है इन दिनों IAS की पढ़ाई कर रही है चंडीगढ़ से। और साथ ही साथ अपनी बहन के लिए वक्त निकालकर बिग बॉस सीजन 14 के सेट पर पहुंची ज्योतिका दिलायक। और साथ ही साथ अभी पहुंच चुकी है ज्योतिका दिलायक। अब जो उनका जो शूट है वो नेक्स्ट डे होने वाला है और साथ ही साथ कुछ ही टाइम में होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर में रूबीना दिलायक का मनोबल जो है कई बार टूटा। हालांकि अभिनव शुक्ला उनके साथ हैं, पूरी तरह से चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन रूबीना दिलायक के लिए अगर उनके घर से कोई आती हैं तो रूबीना दिलायक का हौसला जो है ज़रूर अफजाई हो जाएगा। और साथ ही साथ रूबीना दिलायक का कॉन्फिडेंस ज़रूर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। रूबीना दिलायक ने हार नहीं माना है, लेकिन रूबीना दिलायक का कॉन्फिडेंस लेवल जो है अब धीरे धीरे जो है वो टूटने लगा है, क्योंकि नॉमिनेशंस में भी बुरी तरह से फंस चुकी हैं अभिनव शुक्ला के साथ। वेल दोस्तों, ज्योतिका दिलायक आएंगी और ज्योतिका दिलायक उनके फैंस की शक्ति के बारे में भी बात करेंगी रूबीना दिलायक से। वेल, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।